Well, hi everyone. This is my first formal introduction to you guys. I am here to impart some of the English knowledge to you guys, so you're very welcome. So let's start with our content. Somebody asked me how to improve vocabulary for competitive. Competitions के लिए या वैसे भी in general vocabulary को कैसे improve करें? सबसे पहले let me tell you लोग गलती क्या कर रहे हैं. लोग क्या करते हैं, अपने पेज पे वर्ड्स लिखने शुरू कर देते हैं, 50 वर्ड्स, 100 वर्ड्स, 200 वर्ड्स वोकैबुलरी के, और उसको रट्टा मारना शुरू. गाइस, दिस इज अ रॉन्ग वे. दो दिन बाद देखना, एक भी वर्ड लर्न नहीं रहेगा. ट्रस्ट मी, करके देखना. दो दिन बाद एक भी अगर वर्ड लर्न हो, डोंट क्रैम, रट्टा मत मारो, उसको यूज करो. अब हम लोग इतनी अच्छी पंजाबी कैसे बोलते हैं, इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोलते हैं, ये जो भी हमारी मदर टंग है उसको इतना अच्छा कैसे बोलते हैं. अब फॉरेन के लोग इतनी अच्छी इंग्लिश क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनको प्रैक्टिस है, उसको बोलते हैं, उसको यूज़ करते हैं. तो जब तक आप लोग भी उसको यूज़ नहीं करोगे अपनी डेली लाइफ में, बोलोगे नहीं अपनी डेली लाइफ में, कैसे होगा? यू क्रैम करने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू यूज़ इट प्रैक्टिकली. अब वो कैसे करना है? अब हमें हर रोज़ तो नहीं मिलता कोई ना कोई इंग्लिश बोलने के लिए, या हम अगर किसी के सामने इंग्लिश बोलते हैं तो देसे तो फुकर है. दीज आर पीपल, आई नो दैट दीज आर पीपल, बट वी कैन इम्प्रूव अवर इंग्लिश एंड वोकैबुलरी बाय आवरसेल्व्स. अब फर्स्ट मेथड इज ट्राई टू ऑब्जर्व योर एनवायरमेंट. अब एनवायरमेंट को ऑब्जर्व कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल, किसी से पंजाबी में भी बात कर रहे हो ना, तो फिर भी वो इंसान एक या दो वर्ड अच्छे इंग्लिश के बोलेगा. जैसे मैं इससे बात कर रही हूँ और मैं इसको बोल रही हूँ, यार गवर्नमेंट ने रूल्स कितने स्ट्रिंजेंट कर दिए ना. अब स्ट्रिंजेंट का मतलब है स्ट्रिक्ट, उसको ऑब्जर्व करो. इसने बोला गवर्नमेंट ने रूल्स स्ट्रिंजेंट कर दिए, घर पे जाके गूगल जल्दी से, मतलब गवर्नमेंट ने रूल्स स्ट्रिक्ट कर दिए. अब आप भी उसको बोलना शुरू करो, स्ट्रिंजेंट को बोलेंगे, स्ट्रिक्ट को खत्म करेंगे. सो दिस इज हाउ यू ऑब्जर्व एनवायरमेंट. सेकेंड ऑब्जर्वेशन, रील्स, वीडियोज, मूवीज. अब मूवीज में सारे प्योर हिंदी तो नहीं बोलते, या प्योर कोई अपनी मदर टंग तो नहीं बोलते, उसमें कुछ वर्ड्स वो इंग्लिश के यूज करते हैं. ऑब्जर्व करो, सुनो, बी अ गुड लिसनर, सुनो वो लोग क्या बोल रहे हैं, उस वर्ड्स को फटाफट लिख लो, क्योंकि जो हम सुनते हैं ना एक सिचुएशन में, वो हमें ज्यादा लर्न होता है. दिस इज एन इंटरेस्टिंग वे टू लर्न समथिंग. सो उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी वोकैबुलरी लर्न करने के लिए. अब सेकेंड पॉइंट, पहले मैंने बोला था एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करो, अब मैं बोल रही हूँ एनवायरनमेंट को क्रिएट करो. अब एनवायरनमेंट क्रिएट कैसे करेंगे? रील्स और वीडियोस पे जाते हैं, क्योंकि सारा टाइम तो हम रील्स और वीडियोस देखते हैं. अब रील्स को इंग्लिश से कैसे इंप्रूव करें? इंग्लिश रील्स देखना शुरू करो. अरे इंग्लिश रील्स भी बहुत फनी होती है. इंग्लिश रील्स में फ़ायदा क्या है? आप लोग इंग्लिश को सुनोगे, आपको आदत पड़ जाएगी उसको सुनने की, और ऑटोमेटिकली आपको वर्ड्स लर्न होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो वो एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे उसके हिसाब से वो इंग्लिश बोलेंगे. तो एक्टिविटीज से आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि वो इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं. सो दिस इज हाउ, दिस इज अ सेकेंड मेथड टू क्रिएट एनवायरमेंट रिलेटेड टू इंग्लिश. थर्ड मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस करो, ट्राई करो. कैसे ट्राई करें? अब घर में किचन में मैं गई, अब मैं मम्मा को बोलूंगी मम्मा हल्दी पास करना, डोंट से हल्दी, से टर्मरिक. मम्मा इमली पास करना, डोंट से इमली, से टैमरिंड. मम्मा धनिया पास करना, डोंट से धनिया, से कोरिएंडर. तो इन छोटी छोटी चीज़ों से ना आपको आदत पड़ेगी इंग्लिश में बोलने की. अब सिर्फ आप इंग्लिश नहीं सीखोगे, आपकी फैमिली भी इससे इंग्लिश सीखेगी और वोकैबुलरी वर्ड्स आएंगे. अब बहुत सारे लोगों को धनिये का मतलब कोरिएंडर नहीं पता होगा, तो इससे पता चल जाएगा. ऑटोमेटिकली आप उससे यूज टू हो जाओगे, आपको आदत हो जाएगी, अब आगे से भी आप धनिये को कोरिएंडर ही बोलोगे. सो दिस इज द थर्ड मेथड टू लर्न वोकैबुलरी वर्ड्स. आज के लिए हम इतना ही लर्न करते हैं, क्योंकि फर्स्ट इसको ट्राई करो, उसके बाद हम आगे चलेंगे. फर्स्ट आई टोल्ड यू डोंट क्रैम, प्लीज क्रैम करना बंद करो. सेकेंड, इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करो, आसपास क्या हो रहा है, कौन इंग्लिश बोल रहा है, कौन वर्ड्स बोल रहा है, उसको फटाफट पकड़ लो. थर्ड मैंने बोला इन्वायरमेंट को क्रिएट करो, अपना लाइफस्टाइल चेंज करो. लाइफस्टाइल कैसे चेंज करना है? इंग्लिश में रील्स और वीडियोस देख के, इंग्लिश में बातें करके. थर्ड,
अपने को भी इंग्लिश सिखाओ, घर वालों को भी इंग्लिश सिखाओ. एंड यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.